हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन के आगे वाले मेथड में हम बात करेंगे आज। देखिए कुछ शब्द मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिनका यूज हम अक्सर करते हैं लेकिन हमें उनकी इंग्लिश नहीं आती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए सबसे, और यदि आपने इस सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज। लेट्स नाउ स्टार्ट। देखिए बच्चों, व्हाट इफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इफ, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। और मान लो आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, अगर उसने पैसा उधार नहीं दिया तो क्या करेंगे आप इसकी इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो इनको अपन कैसे बनाएंगे वो चीज हम सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको इसको देखना है कंटिन्यू, यदि आप इसको देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा और आप भी ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, व्हाट इफ, सबसे पहले हम देखिए व्हाट इफ का मीन क्या होता है, ठीक है ना, या व्हाट इफ का यूज हम कहाँ करते हैं। दूसरी बात, हमारे सामने एक और है, हेड बेटर, यानी हेड बेटर का यूज कहाँ होगा। आज तक आपने सुना होगा लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता आपको, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, What if का मतलब होता है अगर, what if का मतलब अगर। तो हम देखिए, जहां हमें अगर नजर आता है तो वहां हम क्या पुट करेंगे, what if, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो हम इसका, अगर उसने पैसा उधार नहीं दिया तो, अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं। तो देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे व्हाट इफ से, किससे करेंगे, व्हाट इफ से, व्हाट इफ। अब देखो, ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट की बात है ये, है ना, कि उसने पैसा उधार नहीं दिया तो ऐसे सेंट प्रेजेंट में हम लिखे जाएंगे। दूसरी बात, उसने तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। अब देखो ध्यान दो, नहीं, यहां नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव का फॉर्मूला आप टेंथ में पढ़ते हो तो आपको पता होगा, डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। तो ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट, ही डज नॉट। अब देखिए, उधार देना लैंड, ठीक है ना, ही डज नॉट लैंड मनी। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए हिंदी में कुछ अलग लगता है हमें, लेकिन बनेगा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही। तो देखिए दोस्तों, घबराना नहीं है, ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो व्हाट इफ ही डज नॉट लैंड मनी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम नहीं आए तो, यहाँ फिर से नेगेटिव है, ठीक है ना, अगर तुम नहीं आए तो। देखिए ये नेगेटिव सेंस को बताता है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देखो अगर की फिर से इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इफ क्या होगी, व्हाट इफ, सब्जेक्ट क्या है, यू, इफ, व्हाट इफ यू, अब डू नॉट कम, नेगेटिव है ना, तो डू नॉट कम, अगर तुम नहीं आए तो। तो इस प्रकार के एग्जांपल हम व्हाट इफ से बना सकते हैं, यानी अगर के सेंस में। देखिए कोई सा टेंस हो, आगे जो टेंस डिपेंड करता है टेंस के ऊपर, यदि हमें अगर के सेंस में कोई वर्ड यूज करना है तो व्हाट इफ का यूज हम करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हेड बेटर, आपने देखा होगा इसका यूजेज आपने किया होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, या हम इसको ट्रांसलेशन के अंदर या स्पोकन के अंदर हम यूज कहां करते हैं, वेयर वी विल यूज हेड बेटर। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट वेयर वी विल यूज हेड बेटर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, लिखा हुआ है अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो देखिए यहाँ से चले जाना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और यहाँ हम बात करें अच्छा होगा, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, हैड बेटर। देखिए हैड बेटर, तो देखिए यहाँ हमें सब्जेक्ट का पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो देखिए ऐसे एग्जाम्पल्स में हैड बेटर को यूज करने से पहले हमें सब्जेक्ट पुट करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट यू, और अच्छा होगा की अंग्रेजी हैड बेटर, क्या होगी, हैड बेटर, यू हैड बेटर, ठीक है ना। अब देखो यहां से चले जाओ, तो गो अवे फ्रॉम हियर, ठीक है ना, गो अवे फ्रॉम हियर, यानी यहां से चले जाओ, दूर चले जाओ कहने का मतलब, तो गो अवे फ्रॉम हियर। तो पता चला हमें अच्छा होगा के लिए हैड बेटर, हैड बेटर से सब्जेक्ट पुट करेंगे, यू हैड बेटर मैन वर्ब, ठीक है ना, गो अवे फ्रॉम हियर। अब तो ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस, अब इसका नेगेटिव, या इसको हम नेगेटिव मतलब अच्छा होगा तुम यहां से न जाओ, तो हम क्या करेंगे, यू हैड बेटर, है ना, नॉट गो, यू हैड बेटर नॉट गो, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां पर हम देखिए अच्छा होगा, तो फिर से तुम, सब्जेक्ट तुम है, ठीक है ना, तो यू हैड बेटर, चल रहा होगा पता आपको क्या कर रहा हूं मैं। तो आप भी ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हो, यू हैड बेटर, है ना, तुम अंग्रेजी में बात करो, तो मैन वर्ब क्या, स्पीक, यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश, यू हैड बेटर स्पीक इन इंग्लिश, तो हम इसको
आराम से अंग्रेजी बना सकते हैं। तो ध्यान रखना इसके लिए, अच्छा होगा तुम पैसे खर्च ना करो तो क्या करेगी बताओ, नेगेटिव सेंस हो गया ना, तो यू है ना, यू हैड बेटर नॉट खर्च करना, स्पेंड करना, ठीक है ना, तो यू हैड बेटर नॉट स्पेंड मनी, ठीक है ना, यानी आप पैसे ज्यादा खर्च ना करें। तो इस प्रकार के दो मैंने आपको दो मतलब जो वर्ड है ऐसे बताए जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। टेंस यदि आपको आता है, यदि आपको मॉडल्स का यूज सही आता है तो, या है ना जो भी ट्रांसलेशन के जो मेथड है यदि आपको आते हैं, तो ये वर्ड कई बार क्या कर देते हैं हमारे बीच में अड़चन पैदा कर देते हैं, तो उनका हमें ध्यान रखना है। और हेड बेटर ऐसे कुछ वर्ड हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, है ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों अब आगे बात करेंगे प्रोवाइडेड डेट, क्या करेंगे प्रोवाइडेड डेट। अब ये देखा तो आपने, ठीक है ना, इसका यूज कहां होता है वो भी हम देखेंगे, प्रोवाइडेड डेट है ना, प्रोवाइडेड दैट इसका मतलब होता है बशर्ते, क्या होता है बशर्ते। अब इसके इसको ट्रांस मतलब सेंटेंस में हम कहा कैसे यूज करेंगे वो चीज हम देखते हैं। देखिए दोस्तों आज हम प्रोवाइडेड दैट की बात कर रहे हैं आगे, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस में तुम्हें सजा से बचा सकता हूं, तो देखिए यहां मैंने आपको ट्रांसलेशन में बताया कैन कुड इनका यूज बचा सकता हूं, तो कैन का हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट कैन प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म, बशर्ते, देखिए यहां बशर्ते एक वर्ड आया, ठीक है ना, यहां भी बशर्ते आया, ठीक है ना, तो यहां ये जो वर्ड आया इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो ध्यान रखना इसकी इंग्लिश जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखेंगे प्रोवाइडेड दैट, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया आपको। इसके बाद बिल्कुल आसान है, बड़ा सेंटेंस है लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे इसको, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करें इस सेंटेंस की, मैं तुम्हें सजा से बचा सकता हूं, तो इसमें तो कुछ बताने वाली जरूरत ही नहीं है आपको, क्या करेंगे मैं यानी आई है ना, और बचा सकता हूं कैन, आई कैन सेव, बचाना क्या बोलते हैं सेव, किससे आई कैन सेव है ना, सेव फ्रॉम, फ्रॉम किससे, सजा यानी पनिशमेंट, ठीक है, तो आई कैन सेव, मैं तुम्हें, आई कैन सेव यू, आई कैन सेव यू फ्रॉम पनिशमेंट, आई कैन सेव यू फ्रॉम पनिशमेंट, तो देखिए मैं तुम्हें सजा से बचा सकता हूं, तो देखिए बात कर रहे हैं आई कैन सेव यू फ्रॉम पनिशमेंट, मैं आपको सजा से बचा सकता हूं। अब यहां बशर्ते, इट मींस हम क्या लिखेंगे यहां पे प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखेंगे प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखेंगे प्रोवाइडेड दैट, तो हमें ये समझ में आया कि बशर्ते के लिए हम क्या करेंगे प्रोवाइडेड दैट यूज करेंगे। इसके बाद देखो तुम मुझे सच बता दो, लेकिन शर्त क्या है, तुम मुझे सच बता दो, तो क्या करेंगे सब्जेक्ट क्या है यू है ना, और मैन वर्ब क्या है टेल, यू टेल मी ट्रूथ, सच यानी ट्रूथ है, तो बताओ समझ आया कि नहीं है। अब यहाँ केवल समझने वाली बात क्या है, ये सेंटेंस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हो, ये आप मॉडल से यू कैन का यूज करके बना सकते हो, दिक्कत कहाँ थी, यहाँ दिक्कत थी, तो इसकी इसका जो सॉल्यूशन है हमने कर लिया। इसके बाद हम देखिए ये ऐसा ही एग्जांपल ये है, लेकिन ध्यान दो यहाँ कैन था, इसका मतलब ये उसमें था, मतलब मॉडल्स कैन का यूज हमने किया, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ देगा, इट मीन्स ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर का यूज कहाँ होता है, तो देखिए वह तुम्हें कार दे देगा, He will give you car, ये तो आप बना सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट से, लेकिन बशर्ते इट मींस यहाँ प्रोवाइडेड डेट यूज कर रहे हैं, प्रोवाइडेड डेट तुम पैसे दे दो, ठीक है ना, यू पे द मनी, तुम पैसे चुका दो या पैसे दे दो, यू गिव मनी, तुम पैसे दे दो या यू पे द मनी, तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे एग्जाम्पल आप बहुत सारे बना सकते हो। जहाँ दूसरी बात मैं आपको केवल और केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये प्रोवाइडेड दैट, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया आपको ये और ये वाला, तो ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट यानी बशर्ते के लिए हम क्या यूज करेंगे वो चीज मैंने बताई है। अब आगे देखते हैं, अब एक आप देखिए यूज करते हो आप, लेकिन उसको डेली लाइफ में आपने यूज नहीं किया, या जो ट्रांसलेशन का मेथड है उसमें यूज नहीं किया, केवल रट्टा फिक्शन यानी केवल रट्टा है उस चीज को, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों आपके सामने कई बार नजर आता है, या हम बोलचाल में अक्सर यूज करते हैं कि तुम खाना खाओगे ना है ना, तुम वहां जाओगे ना, वह हमारे घर आएगा ना, ठीक है ना, तो ऐसे कुछ एग्जांपल, तो उनकी अंग्रेजी क्या आएगा ना लास्ट में क्या है, तो इनकी अंग्रेजी कैसे बनाए, तो देखिए दोस्तों आपने आज तक पढ़ा होगा क्वेश्चन टेक, क्या पढ़ा होगा
क्वेश्चन टेक, लेकिन आपने केवल उसका यूज रटाफिकेशन किया कि यहाँ पर ये है तो यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपने हिंदी से इंग्लिश में उसका यूज नहीं किया, तो हम आज वो करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे तुम पार्टी में आ रहे हो ना, तो पार्टी में आ रहे हो इट मीन्स कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा अभी, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग इन द पार्टी, तुम पार्टी में आ रहे हो ना, सॉरी तुम पार्टी में आ रहे हो, इसकी अंग्रेजी तो यही होती, इसकी इंग्लिश तो मतलब इसकी हिंदी तो यही होती है, तुम पार्टी में आ रहे हो, लेकिन मुझे बताओ है ना, लास्ट में है ना, तुम पार्टी में आ रहे हो ना, ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, यहां हम कोमा लगाएंगे और इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यदि यहां पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहां हम नॉट लगाएंगे, यहां पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव, क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब आर, आर के साथ नॉट है ना, सब्जेक्ट क्या है यू, तो आर यू आर नॉट यू, या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा है ना, आरंट यू, ऐसे भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ये पूछता है कहने का मतलब कि आ रहे हो ना, तो इसके लिए हम ऐसा यूज करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ हेल्पिंग वर्ब को देखनी पड़ेगी और सब्जेक्ट का पता लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है ना, और यहाँ ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव है तो इसका हम इसको यहाँ पर नोट लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, और ये सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है, तो यहाँ जो होगा ठीक है ना, लास्ट में ना है कि सेंस में, तो हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है ना, और नॉट लिखेंगे, और जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो पता चला हमें, अ यदि यही नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, पता चल गया होगा। अब इसको देखो, राहुल तुम्हारा भाई है ना, ठीक है ना, राहुल इज योर ब्रदर, राहुल इज योर ब्रदर, राहुल इज योर ब्रदर है ना, तो इट मीन्स यहां हमें पता चला इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इज लगा देंगे, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नॉट इज नॉट या इजंट भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन ही, देखिए दोस्तों यहाँ हम प्रोनाउन का ही यूज हम करेंगे, तो इजंट ही पता चल गया होगा, तो इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल जिनके लास्ट में जैसे हम बोलते हैं अक्सर, तो उनका यदि हमें ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश के अंदर तो हम बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब विदाउट एक्शन वाला, वह मुझे आमंत्रित नहीं करेगा, हाँ ये पता होना चाहिए आपको कौन से टेंस से है, कैसे बनाते हैं इसको, वह मुझे आमंत्रित नहीं करेगी, इट मीन्स वह लड़की है ना, तो लड़की है तो सी, क्योंकि वो शादी है या जो भी है तो उसके अंदर उसको आमंत्रित नहीं करेगी उस लड़के को, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट क्या है सी, तो सी विल नॉट इनवाइट, सी विल नॉट इनवाइट, सी विल नॉट इनवाइट मी, मुझे आमंत्रित नहीं करेगी, ठीक है ना, सी विल नॉट इनवाइट मी, तो देखो यहां हमें पता चला यहां नोट आ रहा है, मैंने बोला आपको यदि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिखना है, तो देखो यहाँ कोमा लगा के हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, ठीक है ना, और सुनो एक बार, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस तो विल केवल सी आएगा, विल सी ना, अब मुझे बताओ यहाँ यदि इसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन स्पोकन के लिए हम वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं वॉन्ट भी यूज करते हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल ट्रांसलेशन का जो मेथड है, कुछ वर्ड्स जो हम यूज करते हैं अक्सर आपको नहीं आते हैं वो लेके आया था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें, समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।